यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और वक्त है देश की आवाज का। बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब देश में महासंग्राम होगा। इन्हीं नामों से पुकारा जा रहा है 2019 के चुनाव को। कहीं पर महासंग्राम, कहीं पर महायुद्ध, कहीं पर महाभारत, तो हमने कहा जंगे हिंद। और खबरें अभी तक भी इस जंगे हिंद पर लगातार नजर बनाए रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की अगर बात की जाए तो 2019 का मतलब चुनाव हो चुका है, सियासी महाभारत का शंखनाद हो चुका है और पूरे भारत में आचार संहिता लग चुकी है। आम चुनाव देश में होने वाले हैं, 12 अप्रैल से 11 अप्रैल से शुरू तो मतलब वोटिंग हो जाएगी और उसके पहले अगर मार्च तक की बात की जाए तो अब नामांकन, लोगों के बीच में नेताओं की पहुंच वो बढ़ जाएगी और लगातार सभी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं अपनी जीत के और जनता से तरह तरह के वादे किए जाएंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो जनता इस सियासी महाभारत का फैसला करेगी, उस आम और सर्वोपरि जनता के मुद्दे क्या हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और सवाल ये भी है कि क्या जनता के मुद्दे नेताओं के मुद्दों से मेल खाते हैं, फिर नेता अपने ही मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, बस यही जानने की फिलहाल कोशिश हो रही है। क्योंकि देश में कहा जा रहा है कि मुद्दे बदल चुके हैं, तो क्या वाकई में मुद्दे बदल चुके हैं 2019 के चुनाव के लिए? जो आज से एक महीने पहले मुद्दे थे बेरोजगारी, नोटबंदी, भ्रष्टाचार, GST, राफेल, क्या वो मुद्दे बाकी हैं या फिर पुलवामा में और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का एक कश्मकश वाला माहौल रहा पुलवामा में अटैक के बाद, मुद्दे बदल चुके हैं? जो भी आपके जहन में है जुड़िए हमारे साथ लगातार। क्या है आपकी आय रखिए और बताइए कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, क्या मुद्दे बदल चुके हैं या फिर मुद्दे हैं? बेरोजगारी मुद्दा है क्या इस वक्त चुनाव में? राफेल का मुद्दा है क्या इस वक्त चुनाव में? शिक्षा का मुद्दा है क्या इस वक्त चुनाव में? भ्रष्टाचार का मुद्दा है क्या इस चुनाव में? नोटबंदी का, GST का मुद्दा है क्या इस चुनाव में? जो भी आपके जहन में है आप जुड़िए हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब की बार अगर बात की जाए तो मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। और इस चुनाव में मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, जो भी आपके जहन में, आप जुड़िए हमारे साथ। पता तो चले कि नेता जो सोच रहे हैं क्या जनता वैसा सोचती है, या जनता जो सोच रही है क्या नेता वैसा सोचते हैं। जो भी आपके जहन में है डायल कीजिए, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं आज के सवाल पर, किस तरह से आप देखते हैं 2019 के चुनाव को, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है देश के भाग्य को बदलने के लिए और नेताओं के और उनकी पार्टियों के भाग्य को बदलने के लिए। जो भी आपके जहन में है जुड़िए हमारे साथ। विजय भाटिया हमारे संवाददाता, हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाल खास से। स्वागत है आपका विजय साहब। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, कहिए। ये तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आज जो सरकारें हैं या सत्तादल पार्टियां हैं वो जो है मुद्दा भूल चुके हैं। बेरोजगारी हो या फिर विकास का मुद्दा हो, इन किसान का मुद्दा हो, इन सबको भूल गया है। क्योंकि एक मोदी लहर से चल पड़ी है, जब से पुलवामा अटैक्स का बदला लिया है पाकिस्तान से, हर कोई चाहता है कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी देश के सामने ना दबे। इसी लहर की वजह से मोदी जी फिर दोबारा सत्ता में आएंगे। आज विकास को लोग भूल गए हैं, तो इस बिना पर चुनाव लिए लड़ा जाएगा? विकास को लोग भूल चुके हैं क्या? आपको भी ऐसा लगता है कि विकास के मायने नहीं रहे देश में चुनाव के दौरान, लोग भूल चुके हैं, लोगों को मतलब नहीं? पाकिस्तान को सबक सिखा दीजिए, इससे ही चुनाव की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। दीपक जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। दीपक साहब क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, कहिए।
ये अब की बार फिर से मोदी को आना चाहिए देश का विकास के लिए। अच्छा, विकास है मुद्दा सर, विकास, विकास के लिए, विकास देश का विकास के लिए। तो अभी तक क्या विकास नहीं हुआ दीपक जी? अभी हो रहा, आगे के लिए भी मोदी को आना चाहिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है, क्या चाहते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या है आपकी राय, जो भी आपके जहन में है, जुड़िए हमारे साथ। लगातार सवाल और नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 2019 के सियासी महाभारत को लेकर अजीत जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अजीत जी। जी, ये जो सियासी महाभारत में राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुख है, इसके साथ विकास का, बेरोजगारी का और बिजली का और गांव में विकास का मुद्दा अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में आप प्रधानमंत्री का भाषण कोई भी सुन ले, उन्होंने सारे मुद्दे उठाए थे, खाली राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा था कि, और कानपुर में उठाया था उन्होंने, एक बिजली संयंत्र का भी उद्घाटन करा था, हाईवे का भी उद्घाटन करा, मेट्रो ट्रेन का भी उद्घाटन करा था। तो सब जगह की कार्य बात कर रहे हैं, खाली विपक्ष इसको मुद्दा ये बना रहा है कि राष्ट्रवाद बनाम अन्य मुद्दों की लड़ाई करवाना चाहता है। वो डिवाइडर होती है ना अंग्रेजों की, बहुत सी फूट डाल राजकरण वाली, ताकि राष्ट्रवाद का मुद्दा ठहर जाए, बाकी मुद्दे ऊपर चढ़ जाए। सारे मुद्दों को एक साथ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो ये सीधे सीधे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, जो दोनों का मुद्दों को टकराव कर रहा है। तभी तो वो बार बार उसको सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं कि 200 नहीं मिले, 300 नहीं मिले। आज फारूक अब्दुल्ला मांग रहे हैं, कभी रुमान असार खान मांगती है, कभी अंजना कश्यप मांगती है, सब भ्रष्टाचार के लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है डायल कीजिए, सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो भी आपकी राय है, जो भी आपके जहन में है। बलदेव जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि हरियाणा में तो मनीष ग्रोवर और राजकुमार सैनी जो जाटों के विरुद्ध दूसरी जातियों को भड़काया और उनको बदनाम कराया, हरियाणा में एक मुद्दा तो ये रहेगा। दूसरा, जो राहुल गांधी है, उन्होंने लोकसभा में जो आंख मारी और उसके बाद में ये इनके जिजेगे रॉबर्ट वडेरा की जमीन को टाला और भोपाल त्रास भी और ये बोफर्स टॉप के बारे में, पहले तो ये राफेल का पूछने से पहले राहुल इसके बारे में बताएं जनता को भाई ये किसने किए, राफेल से वो तो बाद में पूछेंगे, पहले जनता ये जवाब इनसे ताकती है कि भी उनको किसने बकाया भोपाल त्रासदी के और बोफर्स कांड के और जमीन घोटाला जो इसके जिजा जी ने किया है उसके बारे में बताइए जनता को। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छे हैं देश के लिए, मोदी जी ठीक है, पर हरियाणा में उनको मनीष ग्रोवर और राजकुमार सैनी के ऊपर जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया उसका कुछ कामयाबा इनको हरियाणा में भुगतना पड़ेगा। बाकी है ये दूसरी चीजें, तो इसमें ये कांग्रेस पूछती है भी कितने मरे कितने नहीं, ये बिल्कुल गलत है, पर ये बताएं भी इन्होंने क्या किया देश के लिए लूटने के सिवाय। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है, आज का सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और सवाल ये है कि अब की बार चुनाव के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, क्या मुद्दे बदल चुके हैं देश के अंदर, क्या विकास हो चुका है या विकास की अभी भी उम्मीद है। चंद्र प्रकाश जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी। देखिए कुरैशी जी नमस्कार। नमस्कार, सबसे बड़ी बात तो है आतंकियों के ऊपर जी। अभी मैं आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर नीचे स्क्रॉल में पढ़ रहा था कि राहुल गांधी कह रहा है कि बीजेपी वाले कंधार में असर मसूद अजहर को छोड़ करके आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री था कश्मीर का तो अपने साले को आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए 9 आतंकवादियों को छोड़ा था, तो आप ना तो आप दूध के धुले हैं ना कोई दूसरी पार्टी का दूध का धुला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आतंकवादियों को खत्म कर रहा है एक देश का सेना, तो देश की सेना को ऊपर गौरवान्वित होना चाहिए बंदे को। आप देश की सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये अब की बार जब चुनाव होगा तो आपको आपके दांत खट्टे कर दिए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी औकात क्या है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े चंद्र प्रकाश जी, आप भी जुड़ सकते हैं। आपके जहन में क्या है, आपकी क्या राय है, जो भी आपको लगता है। सूरज हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत आपका सूरज जी। सौरभ जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सौरभ जी। गौरव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गौरव जी। हाँ जी, कहिए गौरव साहब। विवेक जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका विवेक साहब। और इस वक्त योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और दर्शक योगेश जी करनाल से, स्वागत है आपका। नमस्कार कमल जी। नमस्कार योगेश जी। जी सर, मुद्दे तो जी मेरे पास 66 पन्नों की लिस्ट बनी हुई है की, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी होगी, काला धन हो गया, किसानों की दुगनी आय होगी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आतंकवादियों के पास जो पैसे मिलते हैं वो खत्म हो गया है, ये मतलब कि कई ऐसे हैं। जैसे अब हमारे 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर हैं जो अभी इस टाइम कॉलेज में हैं, क्या उनको रोजगार चाहिए है ना, वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें आगे रोजगार मिले या नहीं मिले, लेकिन सर रोजगार भी चाहिए। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है इतनी कि भी पूछो मत, उस पर लगाम चाहिए, पेट्रोलों के दाम बढ़ रहे हैं उस पर चाहिए। और एक भाई साहब कह रहे थे कि भी भोपाल में कांड हुआ था, जरा उनको ये बता देना कि भी जेटली ने उसका केस लड़ा था जिसने भोपाल कांड करा था, ठीक है सर, लेकिन जो जानकारी हो ना थोड़ा पूरी रखो, आदमी को कोई नहीं हो जाती है गलतियां, लेकिन हमारे मेन मुद्दे ये हैं। जो देखो जी हमारी सीमा है, घर होता है उसके ऊपर जैसे दीवार होती है, अगर दीवार तोड़ेंगे हमारे फौजी भाई हैं जैसे, ये दीवार है तो वो अगर उनको तोड़ेंगे कमजोर करेंगे तो घर नहीं टिक सकेगा। अब हमारा पूरा भारत घर है, लेकिन जो ये कोई भी हो पार्टी राजनीति तो सब करते हैं, इसमें कोई नहीं, बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन इनको ये नहीं करना चाहिए। हमारे मेन मुद्दे हैं जो हमारे देश के अंदर हैं वो जरूरी है, लेकिन बाहर है जो हमारी फौज है वो उनको अपने आप संभाल लेगी, इतनी कमजोर नहीं है कि भी किसी के कहने पे वो इतने कमजोर हो जाएंगे, ना तो उनका कोई धर्म होती ना उनकी कोई जाति होती, उनके लिए तो एक ही धर्म होता है कि भारत देश के झंडे के नीचे रहना है, देश की रक्षा करना होता है। जो मेन मुद्दे वो जरूरी होता है। तो मैं आ नहीं सकता उसमें फ्रेम में? हाँ जी हेलो, राजेश जी चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका चंडीगढ़ से राजेश जी। नमस्कार कुरैशी जी। नमस्कार राजेश जी, कहिए। आपके चैनल पे मुद्दे बहुत अच्छे से उठाए जाते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए लोग उस मुद्दे पे बात नहीं करते, राजनीति किसको बना देते हैं, ठीक है जी। ये सरकारें आती है चली जाती है, आप भी बताइए कि जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस टाइम क्या मुद्दे थे, अन्ना हजारे कहां गायब हो गए हैं, ठीक है, वो 15 लाख रुपए कहाँ चले गए, ब्लैक मनी का मुद्दा कहाँ चला गया, सिलेंडर के रेट आज कहाँ पे हैं, वो मुद्दे क्यों नहीं उठाते आप लोग चैनलों पे, सभी चैनलों पे ये देखो ये राजनीति की गोलियां चलती हैं। एक बात बताइए राजेश जी, ये मुद्दा वही तो है, इसमें वही तो बात छुपी है कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए, क्या पुलवामा और भारत पाकिस्तान मुद्दे रहेंगे, या अब आपके लिए मैंने बोला था आपने शायद सुना नहीं, आप बाद में हमारे साथ जुड़े, कि क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, क्या नोटबंदी मुद्दा नहीं है, क्या कालाधन मुद्दा नहीं है, क्या धारा 370 मुद्दा नहीं है इस वक्त, या बदल चुका है, यही तो मैं कह रहा हूँ और यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो आपको बताना चाह रहे सर। मुद्दे वही है आपका, ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया जाता है, लेकिन इसके ऊपर टोटल जो है बीजेपी की जो आईटी टीम है वो, अब सर इसमें हम क्या करें, बीजेपी की अगर आईटी टीम सारी टीमों से सारी पार्टियों की टीमों से बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उन पार्टियों को सोचना चाहिए। हमने तो सबके लिए लाइन खोली हुई है राजेश जी, ईमानदारी से सारी लाइनें खुली हुई हैं, जो भी चाहे जैसे चाहे सिर्फ गाली गलौच ना करे बल्कि अपनी जो राय रखना चाहे वो रख सकता है, चाहे वो किसी सरकार के खिलाफ हो, चाहे विपक्ष के खिलाफ हो, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ हो, जो देश की जनता सोचती है वो सोच सकती है, कह सकती है। आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल पे ये मुद्दा उठाइए ना कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर अन्ना हजारे बैठे थे आज की डेट में कहाँ है वो आप बोलिए ना, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, पूछिए, बिल्कुल सवाल उठाइए ना, आप कहाँ है अन्ना हजारे वहाँ पर अपने रालीगंज सिद्धी में बैठे हुए हैं। 15 लाख रुपए कब देंगे ये 15 लाख रुपए लोग, जुमला है सर 15 लाख रुपए, आपने सुना नहीं अमित शाह ने कहा था कि जुमला है 15 लाख, मेंटेन करवाने, अब जो खाता जीरो बैलेंस खुलवाया था उसको मेंटेन करने के लिए पैसा रखना पड़ रहा है, बिल्कुल अपनी राय रखिए, पूरी बात कीजिए सर,
और क्या कहें, और क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए इस बार चुनाव में? बस मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, आप पहले ये मुद्दा उठाइए अपने चैनल पे और अच्छे से उठाइए। बहुत शुक्रिया सर, आपकी आपकी राय और आपकी बात का सम्मान करते हैं और सराखों पर, और लगातार उठाते रहे हैं तमाम मुद्दे और उठाते रहेंगे जो जनता से जुड़े हुए मामले हैं, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की जुड़ी हुई बात है, जो हमारे दर्शक हमें सजेशन देते हैं, हालांकि हम उठाते रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ, लगातार देखिए, आज भी कुछ मुद्दे उठाएंगे। 8 बजे जुड़िएगा कार्यक्रम में, 8 बजे जब डिबेट करेंगे राजनीतिक पार्टियों से। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नेगी जी। नागेंद्र सिंह नेगी सरकार घाट से बोल रहा हूँ सर। सर पिछली लोकसभा में 34% 184 एमपी जो थे वो संगीन मुकदमों में संलिप्त थे, क्या ये इस बार भी ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे? ये अगर ऐसा होगा तो आचार संहिता की धज्जियां तो उड़ेंगी ही, राजनीतिक सुचिता कहां तक कामयाब कायम रहेगी सर? और ये ठीक कहा आपने कि लोकपाल धारा 370 33A नोटबंदी और आतंकवाद महामिलावट काला धन इनका क्या होगा जी? ये मुद्दे कहां जाएंगे? जय जवान जय किसान का मुद्दा होना चाहिए था, राम मंदिर का मुद्दा पीछे छूट गया, अब राष्ट्रवाद राफेल और आतंकवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है। हकीकत में इतने बड़े देश में युवाओं की बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, बिजली पानी सड़क मुद्दा होना चाहिए, सबके साथ और सबके विकास के मुद्दे अब पीछे छूट जाएंगे। अब तो चुनावों में रमजान जनेऊ और शमशान कब्रिस्तान की बात होगी, संवैधानिक संस्थाओं पर जो अवांछित टीका टिप्पणी की जाएगी उससे जो धज्जियां उड़ेंगी, और ये बैंकों में जो भगौड़े हैं और ये पकौड़े मतलब जो ये लंदन में ऐश कर रहे हैं लोग, ये इन लोगों के ऊपर बात होनी चाहिए, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर गरीब मजदूर किसान होना तो ये किस्मत के ऊपर छोड़ा जाता है, सरकार थोड़ी भी इसकी जिम्मेदारी लेती है। सरकारों को चाहिए कि वो मुद्दे उठाएं जो जनता के से सीधे सीधे सरोकार रखते हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। चुनाव आ चुके हैं, चुनाव के दौरान बताइएगा कि जनता के नजदीक क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता किसी लहर में बह जाएगी या जनता अपनी अकल लगाएगी? हम लोग अपनी अकल से वोट देंगे, और देखिए यहाँ पर किसी के लिए भी, चाहे आप किसी को भी वोट दो वो आपकी मर्जी है, लेकिन सोच समझ कर। आर के कालिया जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ में, स्वागत है आपका आर के कालिया जी। नौशिर भाई आदाब। आदाब सर कहिए। देखिए कितने ही अफसाने बना डाले, हाँ कितने ही अफसाने बना डाले, लफज थे चार मोहब्बत के, मीम है बेते, केवल चार से मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा जी, महिलाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से साफ तौर पर कहना चाहूंगा, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर समझते हैं जी, इनको किसी की कोई चिंता नहीं, इनको केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, वही इनका मुद्दा है। माननीय देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं अब क्या कहूं, इतने माननीय आदरणीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो झूठ बोलते हैं, देखिए बड़े अफसोस की बात है, मैं तो देखो इस बात से बिल्कुल किसी से इत्तफाक ही नहीं रखता, कोई भी हो, जो एक प्रधानमंत्री मंच पर झूठ बोलता है बताइए वो देश का भला क्या करेगा? बहुत सक्षम है हमारी, ये बिला वजह एक लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपना एक क्रेडिट लेना चाहते हैं फौज के माध्यम से, किसी को कोई चिंता है ही नहीं। और मैं वोटर को भी कहूंगा, वोटर हमारा अजीज है, वोटर हमारे लिए माननीय है, वोटर भी इतना जागरूक नहीं है, बिला वजह इनकी रो में बह रहा है, कुछ सोचना होगा, वोटर को सोचना होगा, वोटर को सोचना होगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है, क्या मुद्दे बदल रहे हैं देश के अंदर, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहा, क्या नोटबंदी मुद्दा नहीं रहा, क्या कालाधन मुद्दा नहीं रहा? उदय सिंह जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जी भाई साहब जी नमस्कार, उदय सिंह जी कहिए। भाई जी आपने बिल्कुल सही आवाज उठाई, भाई पुराने मुद्दे बदल गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मोदी जी को, आप पे अगर कोई क्लिप पड़ी हो तो वो भी लागू करनी चाहिए, भी जो 2014 में मैनिफेस्टो में इन्होंने रुके मारे थे जी, हम इतने वादे पूरे करांगे, और सरसा में, मेरा सरसा
सिरसा शहर में जाके मोदी जी ने कहा था, मैं डेरा सच्चा सौदा को नमन करता हूँ। वो ऐसा नमन कराया, उस पर देशद्रोही लैदी सारी 5 करोड़ संगत पे। और उस हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए। और जो जो महल मानवता भलाई के काम करे थे उन पर श्याम गोली चला दी, 40 बंदे मरा दिए। अब जो फौजिया पे पत्थर मारा है आज तक उन पर देशद्रोही किसों पे नहीं लाई, सरकार छोड़ के बैठ गया यू है। 11,000 जब उग्रवादी बरी करे इसने, इसकी सरकार मैं थी। आज यू कह मैं शहीदा की फोटो लाऊ, आर जी एस की लाने वो जो आर जी एस इकट्ठी किसने करी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इस मुद्दा को छोड़कर जो आपने कहा था भाई बेरोजगारी का बारे में, गंगा सफाई का बारे में, काला धन का बारे में, जाना तो खड़ा था काला धन और देश से बाहर भगा दिए पीछे लेकर। मैं कहना चाहता हूँ भाई, आपने वोट देनी है जी सबके दो, लेकिन उस आदमी को दो जिसने की पिछले 2014 में क्या कहा था और आज किस स्टैंड पर मुद्दा बदलना गया हो। बहुत शुक्रिया उदय सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, संदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका संदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि जो मुद्दे 2014 में लेके आई थी उनमें से एक भी तो इन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे काला धन का है, राम मंदिर का है, बेरोजगारी का है, जैसा एक भी मुद्दा सोल्व नहीं हुआ इनसे, तो आगे किस विषय पे वोट मांगेंगे ये। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए सर। बिल्कुल हाँ जी, हम कह रहे हैं इन्होंने 35 हटाने की बात कही थी, वो भी नहीं थी। न राम मंदिर बना, न गंगा की सफाई हुई, न 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। कितनी कंपनी हरियाणा में बंद हो गई, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं हुआ। भाई साहब वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किए, हमने तो इतना काम किया कि पिछले 50 साल में तो हरियाणा में और पिछले 70 साल में पूरे देश में काम नहीं हुए। वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने देश को विदेशों में बहुत आगे पहुंचाया, एक देश का नाम रोशन किया है। अब ये तो देश की जनता को सोचना है ना, वो क्या देखती है। बीजेपी सरकार ही मुद्दा लेके आई थी, गंगा सफाई का क्या हो गई, राम मंदिर का। पूछिए ना सर, आप पूछिए, आपके पास आएंगे नेता वोट मांगने के लिए आएंगे, आपके पास विपक्ष के नेता भी आएंगे, आपके पास सरकार के लोग भी आएंगे, उनसे सवाल कीजिएगा आप। नहीं सर, हमें जैसे 2014 में कांग्रेस से किए थे क्वेश्चन जी, अभी इनसे करेंगे ना। सत्ता में तो ये थे, इन्होंने हमें क्या दिया, बेरोजगारी खत्म कर दी, बुलेट ट्रेन की बजाय किसानों के लिए क्या किया, बुलेट ट्रेन हमें देगी। अब किसानों के आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था जी सर, जवान ऐसे ही शहीद हो रहे हमारे, 35 हटा दी क्या सर, बिल्कुल जवानों पर राजनीति कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। धर्मपाल जी स्वागत है जी, कहिए। सर जी नमस्ते। नमस्कार धर्मपाल जी, कहिए। सर जी 2014 में ये बीजेपी सरकार भिन्न भिन्न वाले मुद्दे लेके आई थी, आज वो पब्लिक में वैसे के वैसे मुद्दे हैं। उन्होंने काला धन माल्या करे तो अपना काला धन सफेद इन्होंने अपना अपना करे जी, और एक मुद्दा लेके आई थी सबका काम सबका साथ सबका विकास। किसका विकास होया जी, कर्मचारी है तो कर्मचारी आज HR के लिए तरस रहे और बोलो भी, आज कैबिनेट के मंत्री बैठक हुई है, आज हुई है, वो भी आज तक नहीं होया जी, और बोलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माले इतने इतने माले लेके चले थे, और बोलो क्या बेटियां आज तक सुरक्षित है, मतवली नहीं, और बोलो इन्होंने तो एक वो कागजों में फाइलों में लेके चले है। किन चीजों में ये वोट मांगेंगे, कोई माले आई है ना 2014 में जो मुद्दे लेके आए थे वो त्यों के त्यों ही है, कोई भी माले पूरा नहीं है जीरो बोलो। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं अब और कार्यक्रम को खत्म करते हैं, और ये प्रोग्राम आपकी आवाज, देखिए लोग सवाल के भाई बताइए आप, भाई आपकी आवाज है, आप बताइए ना आप क्या सोचते हैं। आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम हमारे चैनल पर 2 बार हम दिन में चलाते हैं कि देश की आवाज क्या है, देश के लोग क्या सोचते हैं। एक सवाल हमने ये उठाया था, इसलिए पूछा था कि मुद्दे आपके लिए क्या रहेंगे। अब हम पहले से चला देते कि हाँ जी ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, तो वो तो है मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा है मेरी नज़र में है, मेरी नज़र में है काले धन का मुद्दा मेरी नज़र में है, ये मेरी अपनी जाति राय है, मेरी निजी राय है। अब आपके पास आएंगे लोग वोट मांगने के लिए, सरकार के लोग भी आएंगे, विपक्ष के लोग भी आएंगे, उनसे पूछिएगा
कि विपक्ष वालों आपने पहले क्या किया था और सरकार वालों आपने अब क्या किया है। बहुत सारी बातें हैं और लगातार इस तरह की आवाज़ें अलग अलग बातों को लेकर उठाते रहेंगे। जो भी आप सजेशन देते हैं, जो भी आपकी राय होती है, उसके मुताबिक हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। नमस्कार।